हाँ जी जय हिंद। चलिए, आपको जैसा बोला था कि कम्युनिकेशन पर मैं वीडियो ला दूंगा, कम्युनिकेशन ही आपकी टॉपिक है, शायद थोड़ा बहुत कट रहा है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आपको नीचे देखिए, पूरा नीचे तक दिख रहा है ना, यहाँ पे यह देखिए डिस्पैच राइटर तक। तो आपको चलिए, यह जो इतने भी लोग हैं यहाँ पर देखिए, ORL एंड RM ऑपरेटर रेडियो लाइन एंड रेडियो एंड मैकेनिक ट्रेड के जितने भी लोग हैं, आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा। आप जो लोग हिंदी में देखना चाहते हैं, हिंदी में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो मैं उन लोगों के लिए टेलीग्राम ग्रुप में आपको यह सेंड कर दूंगा, इसका जो भी यह जो पार्ट है आपका कम्युनिकेशन, उसका मैं स्कैन करके आपको टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा। जो हिंदी में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, कुछ चीज़ें ज़्यादा करके हिंदी में ही रहेगा, आप जा करके वहाँ से समझ लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं आपका कम्युनिकेशन का, एक थोड़ा लंबा टॉपिक है, मैं शॉर्ट में लाया हूँ। आपका इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है, मेथड्स इंपॉर्टेंट है, और ये टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, और आरटी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फोनेटिक अल्फाबेट यह इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है। यह सब मैं आपको समझने के लिए बस लिख दिया हूँ। मेन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस का मुख्य क्या है कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो कम्युनिकेशन का सोर्स होना चाहिए। अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए कम्युनिकेशन करने के लिए, कम्युनिकेट करना है, तो आपको सोर्स तो चाहिए। कोई सोर्स मिलने के बाद उसके पास मैसेज होना चाहिए। मैसेज अगर होगा तो वो चैनल के थ्रू देगा, तो कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए। अब कोई तो रिसीव करेगा, रिसीवर होना चाहिए, और ऑडियंस होना चाहिए। तो ये आपका हो गया। अब उसके बाद मेथड कौन कौन से हैं आपके कम्युनिकेशन के। मेथड में संचार की विधियां आप बोल सकते हैं, संचार की कौन कौन सी विधियां हैं, तो इसमें दो विधि आपकी है, नॉन ऑफिशियल और ऑफिशियल। नॉन ऑफिशियल का मतलब क्या होता है, असंस्थागत, और ऑफिशियल का मतलब संस्थागत। अब यहाँ पे देखिए, नॉन ऑफिशियल का आप एग्जाम्पल ले सकते हो। नॉन ऑफिशियल में आपके फ्रेंड आ जाएंगे, नेबर आ जाएंगे, टीवी हो गया, और फिर इसके बाद ऑफिशियल में आपका क्या हो गया, टीवी, रेडियो, ये सब क्या है कि आपका ऑफिशियल में थोड़ा अंधेरा में हूँ, ताकि इस पर रिफ्लेक्शन ना आए और आपका सही तरीके से दिखे, ठीक है। और टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, कितने टाइप के प्रकार के इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं, सूचना तंत्र के प्रकार, ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, नॉलेज इंफॉर्मेशन सिस्टम, और मैनेजमेंट प्रबंधन इंफॉर्मेशन सिस्टम, और स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, नीति निर्धारक सूचना तंत्र। और उसके बाद आते हैं कि आपका टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, कितने टाइप के कम्युनिकेशन है। ये जो है आपके पुराने टाइम में चलते थे, अब तो नया टाइप के आ गया, तो पुराने टाइप को आप जान लीजिए कि कौन कौन से आपके टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हैं। आपका नेट रेडियो हो गया, लाइन कम्युनिकेशन हो गया, रेडियो रिले हो गया, डिस्पैच राइडर हो गया, डिस्पैच राइडर सर्विस, फैक्स हो गया, टीवी हो गया, लाइसेंस ऑफिसर हो गया, और एक्सेट्रा में आप लिख लीजिएगा, पीडीएफ में से देख लीजिएगा। लाइसेंस ऑफिसर आपको बताया था ना, एलओ, असम राइफल भी जब रैली शुरू होने वाली थी तो एलओ को, लाइसेंस ऑफिसर को इंटीमेट किए थे, तो वहाँ से आता है। फौज की लैंग्वेज सबकी बात की नहीं है, समझना, ठीक है। तो यह हो गया कार्यात्मक सूचना तंत्र, यहाँ पे बोध सूचना तंत्र, प्रबंधकीय सूचना तंत्र, और नीति निर्धारक सूचना तंत्र, और रेडियो टेलीफोनी इंफॉर्मेशन। हाँ, तो यहाँ पे जो है कि टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, अब क्या आ गया टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, आपको एडमिट कार्ड कहाँ पे आ रहा है, मेल पे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल का सिस्टम आ गया है, वो भी एक प्रकार का हो गया। और उसी में आप क्या हो गया, इंट्रानेट हो गया, और आप उसमें बताइए टेलीनेट हो गया, गोफर हो गया, आर्ची हो गया, और वीडियो है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, टेलीटेक्स्ट हो गया, ये सब क्या है कि एडवांस में आपके हैं। और अब नेक्स्ट चलते हैं रेडियो टेलीफोनी इंफॉर्मेशन में, आपका क्या, तीन टाइप के होते हैं, आरटी कम्युनिकेशन, अनरजिस्टर्ड फॉर्मल। आरटी में क्या होता है, अनऑफिशियल चीज़ों का दिया जाता है, और अनरजिस्टर्ड में आपको पता है कि अनरजिस्टर्ड से अपंजीकृत संदेश को, और यह फॉर्मल में से आपको समझ में आ गया कि औपचारिक जो संदेश होता है। और मैसेज, अब यह मैसेज जो हो गया, मैसेज का तीन पार्ट होता है आपका, द कॉल, द टेक्स्ट, द एंडिंग, यानी कि यह आपका तीन हो गया। तीनों में क्या होता है, द कॉल में क्या होता है, स्टेशन पता चलता है, किस स्टेशन से आपको बात करनी है, किस स्टेशन से बात करनी है, वो द कॉल में पता चलेगा। द टेक्स्ट में आपका विषय आपका क्या है उसके बारे में पता चलेगा। द एंडिंग आपका क्या होगा,
कि उत्तर किसको दिया जाएगा। यह हो गया, तो यह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से अब देखिए, यह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, यह टाइप ऑफ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन और यह टाइप ऑफ कम्युनिकेशन और यह उसी तरीके का है। और रेडियो टेलीफोनी प्रोसीजर, रेडियो टेलीफोनी प्रोसीजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आरटी प्रोसीजर पूछा जाता है। आरटी प्रोसीजर क्या है कि आपको कैसे बात करना है, किन बातों का ध्यान रखें, कैसे बात करना है, वो तो यहाँ पे है। आरटी बात करने का तरीका नीचे है, लेकिन जो उसमें फॉलो किया जाता है वो यहाँ पे प्रोसीजर जो है यह लिखा हूँ। BASS बास, आपको यही याद करना है। BASS लिख लेंगे। बी से ब्रेविटी, एक्यूरेसी, स्पीड, सिक्योरिटी और स्पीड। तो बी से ब्रेविटी मतलब क्या होता है, संक्षिप्त, यानी कि शॉर्ट में अपने बात को रखना है, घुमा फिरा कि इधर उधर से नहीं रखना है आपको अपने बात को। एक्यूरेसी हो गया कि सटीक बात करना है। सिक्योरिटी हो गया गुप्तता, यानी कि सिक्योरेसी को मेंटेन करना है। स्पीड, आपकी जो रफ्तार है वो सही होनी चाहिए। अब नीचे आ जाइए, आरटी पर बोलने का ढंग कैसे बोला जाएगा। रिदम, आपका जो लय है, लय आपका सही से जाए, ठीक है। स्पीड, रफ्तार, आपको तेजी से धड़ाधड़ धड़ाधड़ नहीं बोल देना है, गैप लेना है, रुकना है, जो भी है। वॉल्यूम, आपकी जो वॉल्यूम है, धीरे, आपकी वॉल्यूम जो है धीरे, कम कम, ज़्यादा ना ज़्यादा हो, ठीक है, एक इक्वल में रहे, समांतर चले। पिच में बात करते हैं। पिच जो है आपका लास्ट है। पिच में आपको क्या करना है कि आवाज़ की टोन को नहीं बदलना है आपको, पिच है ना, पिच को पे आपको ध्यान देना है। तो यही आपका क्या है कि कम्युनिकेशन का टॉपिक को मैं बता दिया। आप पढ़ लीजिएगा इसे भी, और PDF को मैं आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल है नेशनल कोबरा कैडेट्स, आप जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम में सर्च वर्च कर लीजिएगा, नेशनल कोबरा कैडेट्स आ जाएगा। और फोनेटिक अल्फ़ाबेट, हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है यही, फोनेटिक अल्फ़ाबेट। फोनेटिक अल्फ़ाबेट के बारे में बात कर लेते हैं। फोनेटिक अल्फ़ाबेट आपका क्या होता है, अल्फा ब्रावो ABCD होता है ना, क्यों या फोनेटिक अल्फ़ाबेट को समझ लेते हैं। फोनेटिक अल्फ़ाबेट क्यों होता है, जैसे जब रेडियो पे हम मोटरोला सेट, जो भी सेट पे वायरलेस कॉम पे बात करते हैं, तो उस पर आवाज़ बहुत देखते हैं खिर पिर ऊपर नीचे होता है, क्लियर उतना नहीं होता है। जैसे आप VoLTE वॉइस ओवर इस पर बात करते हैं, 4G वाले पे तो कितना क्लियर रहता है, उस पर उतना क्लियर नहीं होता। तो कहीं शब्द में हेरा फेरी ना हो जाए, इधर का उधर, उधर का इधर, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, उसके लिए हम फोनेटिक अल्फ़ाबेट का प्रयोग करते हैं। आपका फोनेटिक अल्फ़ाबेट कौन कौन सा हो गया, अल्फा ब्रावो ABCD होता है ना, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW XY Z, तो वही आपका होता है फोनेटिक अल्फ़ाबेट। फोनेटिक अल्फ़ाबेट याद, थोड़ा बहुत याद भी कर लीजिएगा अगर हो सके तो, अल्फा ब्रावो। बाकी मैं रिव्यू आपको सेंड कर दूंगा, जैसे कि अल्फा ब्रावो, चार्ली, डेल्टा, इको, फॉक्सर, गोल्फ, होटल, इंडिया, जूलियट, किलो, लीमा, माइक, नोम्बर, उसके पापा, क्यूबेक, रोमियो, सारे टैंगो, यूनिफॉर्म, विक्टर, विक्सी, विक्सी, एक्सरे, आंखी, जूलू, यही आपका फोनेटिक अल्फ़ाबेट है। यह सिग्नल वालों लोगों के लिए पूरा एकदम इस तरीके से जुबान पे रहता है, पूरा एकदम 3 से 4 सेकेंड में अल्फा से जेड के क्या है वहाँ तक पूरा धड़ाधड़ बोल देते हैं, ठीक है। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।